हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सलाम मैडम। इतनी रात को मैं तेरा सलाम सुनने नहीं आई, कोई काम का कलाम है तो बोल। अरे मैडम, आपके उस एक आंख वाले आदमी को ढूंढने के चक्कर में मेरी भी तीसरी आंख खराब हो गई। ऐसा कोई एक आंख वाला आदमी मैडम पूरे एरिया में ना सुनने को मिला ना देखने को मिला। तो हो सकता है कि उसकी दोनों आंखें ठीक हो और वो अपनी एक आंख पर पट्टी बांध कर निकलता हो हमें गुमराह करने के लिए। और सुन, अपनी तीसरी आंख में आई ड्रॉप डाल और उसे मंदिर के एरिया के आसपास ढूंढ, उसके वहां मिलने के चांसेस हैं। थैंक यू मैम। हाँ स्वाति। हेलो दीदी, कल आपका सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आने वाला है, ऑल द बेस्ट। हाँ, उससे पहले मेरा एक और लक्ष्य मिल गया है, मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ। बाय बाय। वैसे दीदी, मान गई आपको, लाइफ में मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनको ये तक नहीं पता कि कल क्या करना है, और आपने पूरे 9 साल प्लान कर रखे हैं। पर चिटकी, मेरे जैसे भी कई लोग होते हैं जो लाइफ की पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, पर यू नेवर नो अगले 5 मिनट में ही क्या हो जाए। क्यों पापा? वो तो है बेटा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिल्कुल सही कहा था पूर्वा ने। पर चुटकी, मेरे जैसे भी कई लोग होते हैं जो लाइफ की पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, बट यू नेवर नो अगले 5 मिनट में ही क्या हो जाए। पर हम सबकी गट फीलिंग यही कहती है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत घटने वाला होगा तो जिंदगी हमें उस अनहोनी की दस्तक जरूर देगी, और पूर्वा को भी उस अनहोनी ने दस्तक दी थी। पूर्वा एक पुलिस कांस्टेबल थी, फिर उससे भला ऐसी क्या चूक हुई जो एक क्रिमिनल ने उसके कोल्ड ब्लडेड मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया। जब लोकल पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो नजारा मर्डर का नहीं बल्कि सुसाइड का था। पुर्वा! 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 ये एक परफेक्ट मर्डर था जिसे एक परफेक्ट सुसाइड की शक्ल दी गई थी। इस केस में क्राइम ब्रांच की एंट्री हुई और इस केस की अगुवाही मुझे सौंपी गई। राणा, कौन? राणा, पहले इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने जो फोटोग्राफ्स लिए थे वो लेके आओ। सर,
ये सुसाइड नहीं है, मर्डर ही। बस ये है कि क्या गया बहुत ही प्लानिंग के साथ है। सर अभी तो हमें 15 मिनट ही हुए हैं क्राइम सीन पर आए हुए, और आप कह रहे हैं 15 साल का एक्सपीरियंस है शर्मा। किताब का कवर देख के समझ में आ जाता है कि किताब के अंदर कहानी क्या है। ये बुक शेल्फ देखो, किताब एकदम बेतरतीब रखी हुई है। अगर हम इस बुक शेल्फ को छोड़ दें तो घर की बाकी की चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसा लग रहा है जैसे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर क्राइम सीन पर जो पुलिस टीम सबसे पहले पहुंची थी उनका कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था। शर्मा कातिल खिड़की से भी तो अंदर आ सकता है, क्या करो ये खिड़कियाँ खुली गई हैं क्या? लेकिन सर ऐसा कौन होगा जो इस तरह से यहाँ आकर ऐसा परफेक्ट क्राइम कर सकता है? लेकिन ये सोसाइटी है, ये भी तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। कोई सोसाइटी नोट नहीं मिला? राइट सर, ना ही कोई ऐसा मैसेज मिला पूर्वा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में, और ना ही कोई ऐसा पेपर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर रिपोर्ट बस आने वाली है। शर्मा पूर्वा जिन केसेस पे काम कर रही थी उन सारे केसेस की डिटेल्स चाहिए मुझे, और पूर्वा के घर वालों को मिलने के लिए बुलाओ। श्योर सर। एसीपी साहब आप हमारे गांव के हैं, आप तो हमारी सारी स्थिति को जानते हैं। पूर्वा ही थी जो हमारा घर चलाती थी, आज सब खत्म हो गया। मैं सब जानता हूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप थोड़ी हिम्मत रखिए। पर अंकल पूर्वा दी कभी सुसाइड नहीं कर सकती। हाँ इस बात पे हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये केस क्राइम ब्रांच देख रही है, एंड आई एश्योर यू पूर्वा को न्याय जरूर मिलेगा। पूर्वा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट और मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसे ये लगे कि पूर्वा तनाव में थी, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हो लेकिन मोबाइल से डिलीट कर दिया गया हो। पूर्वा का ये फोन टेस्टिंग के लिए भेज दो, और पूर्वा के कॉल रिकॉर्ड्स आते ही अच्छे से चेक करो, शायद वहां से कोई लीड मिल जाए। ओके सर। सर ये उस लास्ट केस की फाइल है जिसकी इन्वेस्टिगेशन टीम में पूर्वा भी शामिल थी। इस केस का स्टेटस क्या है? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है सर, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस केस में एक आंख वाले आदमी को अक्यूज मानकर ढूंढा जा रहा है। एक आंख वाला आदमी? सर अभी तक उस एक आंख वाले आदमी का नाम पता कुछ मालूम नहीं चला है। केस क्या? सर एक्चुअली पूर्वा की संदिग्ध मौत से 15 दिन पहले इस 8 साल की बच्ची सुरुचि की लाश मिली थी भरतपुर एरिया में। सर उस केस को लीड कर रही थी भरतपुर थाने की SHO सुनैना बंसल। सर कांस्टेबल पूर्वा के अलावा उस इन्वेस्टिगेशन टीम में ASI मीतू सिंह और ASI सुनील प्रभु भी शामिल थे। मर्डर के साथ साथ रेप के साइन भी नजर आ रहे हैं। कुछ मिला? मैडम सुरुचि की लाश वहां और यहाँ पर, ये मतलब तंत्र मंत्र सा लग रहा है, कहीं ये बलि वली का चक्कर तो नहीं? बलि? कैसी बात कर रही हैं आप मैडम, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी बेटी सुरुचि के साथ ये सब हुआ कैसे? कब देखा था उसे आखिरी दफा? सुरुचि मेरी छोटी बिटिया आदिति के साथ छुपम छुपी खेल रही थी कल रात को, लेकिन आदिति को सुरुचि नहीं मिली। रात भर मैंने सुरुचि को ढूंढा, लेकिन आज सुबह मुझे सुरुचि की लाश। आपकी बेटी रात भर से गायब थी, आपने हमें तब क्यों नहीं बताया? मैडम मैं खुद ढूंढ रहा था अपनी बेटी को। और मिला क्या? बेटी की लाश? एक बाप होकर आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपकी छोटी बेटी अदिति से मिलना चाहूंगी। बोलो बेटा क्या हुआ था दीदी के साथ? मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार ट्राई करूं। ठीक है। बेटा ये चॉकलेट्स आपके लिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो फिर क्या चाहिए आपको? सुरुचि दीदी। आपको पता है मैं भी आपकी तरह अपनी बहन को बहुत याद करती हूँ, और आपको पता है सुरुचि दीदी भी आपको याद कर रही है। कहाँ? वही जहाँ आप लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। अच्छा आपको याद है सुरुचि दीदी ने आपसे क्या कहा था? सुरुचि दीदी ने कुछ नहीं कहा था,
मैंने दस्तक गिना था और पूछा था। रुचि दीदी मैं आ रही हूँ आपको ढूंढने। अदिति, रुचि दीदी, अदिति। और उस रुचि दीदी को ले गए। नहीं नहीं रोना नहीं, रोना नहीं। आप जानते हो उसे? नहीं। अच्छा बेटा वो दिखने में कैसा था? मालूम नहीं, पर उसके एक आंख पे पट्टी थी। लेकिन उस एक आंख वाले आदमी का और सुरुचि के रेप और मर्डर केस का पूर्वा के संदिग्ध में उससे क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता सर, लेकिन पूर्वा उस एक आंख वाले आदमी को ढूंढने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही थी और उसके मर्डर से एक रात पहले पूर्वा ने उस आदमी को स्पॉट भी किया था। सर इस लिहाज से देखा जाए तो वो एक आंख वाला आदमी भी पूर्वा को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक खूंखार क्रिमिनल जो एक बच्ची को इतनी बेरहमी से मार सकता है, वो पूर्वा की हत्या को आत्महत्या की शक्ल क्यों देगा? सर पता चला है कि पूर्वा ये भी मान रही थी कि वो एक आंख वाला आदमी अपना भेष बदलने के लिए अपनी एक आंख ढकता हो। सर मैं अपनी दी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। उन्होंने तो आगे आने वाले 9 साल तक की प्लानिंग कर रखी थी। 9 साल तक की? कैसी प्लानिंग? मेरा पहला लक्ष्य इस साल बीए कंप्लीट करना और फिर पार्ट टाइम जॉब करना, फिर यूपीएससी का एग्जाम्स क्लियर करूंगी, फिर आईएएस का जॉब और फिर शादी। दीदी इस चार्ट में ना लाइफ पार्टनर को भी ऐड कर लो। इस चार्ट में है ना फिलहाल उसकी तो कोई जगह नहीं है, समझी छुटकी? पर आपके दिल में कोई जगह बना रहा है या? तू भी ना कुछ भी बोलती पागल कहेंगी, चुप कर। सर पूर्वा ने जो सोचा था करके दिखाया और उसी साल उसकी कांस्टेबल की जॉब लग गई और वो शिफ्ट हो गई और इस साल वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी। सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज का रिजल्ट तो उसी दिन आया था ना जिस दिन पूर्वा। हाँ सर, उस रात जब मैं सो रहा था मेरे फोन की घंटी बजी थी। पूर्वा, पूर्वा इस समय फोन क्यों कर रही है? हेलो बेटा तू रो क्यों रही है? पापा मैं फेल हो गई, आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई पापा मैं। वो फोन पर काफी देर तक रोती रही और इतना टूटा हुआ मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने दोबारा उसे फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी और फिर मैंने सुनैना मैडम को फोन किया। आप फिक्र मत करिए अंकल, हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई हो। मैडम अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उससे बात की थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं किसी को पूर्वा के रूम पर भेजती हूँ। फिर सुनैना मैडम का दोबारा फोन आया। हाँ मैडम पूर्वा ठीक है ना? अंकल आप जल्दी यहाँ आ जाइए, वो पूर्वा ने सुसाइड कर लिया है। सब बोल रहे कि उसने आत्महत्या की लेकिन मैं नहीं मान सकता सर, सर उसकी हत्या हुई है। देखिए अगर पूर्वा की हत्या हुई है तो उसकी कोई वजह होगी, किसी का कोई मोटिव होगा। आपको शक है किसी पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सर एक बात है, जब पापा को 1 महीने पहले हार्ट अटैक आया था तब दीदी कुछ दिन की छुट्टी पे हमारे साथ ही थी। बेटा तुम लोग दुखी मत हो, मैं तुम दोनों बहनों की शादी करके ही मरूंगा। पापा प्लीज कुछ भी मत बोलो। ठीक है। कम से कम ऐसे वक्त पे तो बख्श दो मुझे, क्यों फोन कर रहे हो? बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दी, कोई टेंशन? नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब दीदी ने कुछ बताया नहीं? लेकिन सर जो कोई भी था ना फोन पे उससे दी बहुत नाराज थी।
सर, पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूर्वा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट में लिखा है कि प्रीमा फेसी ये एक सुसाइड केस लगता है और मौत की वजह फांसी। हो सकता है पूर्वा का रस्सी से पहले गला घोटा गया हो और फिर उसकी लाश को पंखे से टांग दिया गया हो। लेकिन सर, इस सुसाइड को मर्डर मान लेने का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस नहीं है लेकिन इंडिकेशन है। शर्मा, उस रात 9 बजे पूर्वा अपने क्वार्टर पर पहुंचे। पूर्वा की मौत का समय है 12 से 2 के बीच में। उस वक्त पूर्वा को अपने बिस्तर पर होना चाहिए। वो डिस्टर्ब थी, रोते हुए अपने पिता से बात कर रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसका ब्लैंकेट उसके बिस्तर पर प्रॉपर फोल्ड करके रखा हुआ है, बिस्तर एकदम सलीके के साथ। अब सुसाइड करने वाला इस स्टेट ऑफ माइंड में तो होगा नहीं कि वो सुसाइड करने से पहले अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके प्रॉपर बिस्तर पर रखे और उसके बाद सुसाइड करे। शर्मा, इतना इंडिकेशन काफी है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। पूर्वा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, पूर्वा अपने कलीग्स और फैमिली के अलावा उसका एक खबरिया रणधीर, उससे फोन पर काफी बातें करती थी और उसके कॉल रिकॉर्ड में इस रविशंकर नाम के लड़के का नंबर भी मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वा सेक्सुअली एक्टिव थी। ये रविशंकर उसका बॉयफ्रेंड है? सर, फिलहाल इस रविशंकर के बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन पता चला है कि पूर्वा अपने कलीग एएसआई सुनील प्रभु के साथ रिलेशनशिप में थी। एएसआई सुनील? मैंने पूर्वा के सभी कलीग को मिलने के लिए बुलाया था, तब तक आ रहे हैं? सर, वो सब सुरुचि मर्डर केस में बिजी थे, लेकिन आज 2 बजे आ रहे हैं लोग। ठीक है, मैं इन सबसे मिलता हूँ। तुम रविशंकर और पूर्वा के खबरी, इन दोनों से मिलो। ओके सर। रविशंकर, तुम काफी टाइम से पूर्वा से फोन पर टच में थे और तुम बोल रहे हो कि तुम सिर्फ उसके दोस्त थे? सर, हमारी तो शादी भी होने वाली थी, लेकिन क्या हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ पूर्वा? हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? दोस्त बनकर मिलने लगे हमें मिटाने वाले? डोंट बी सरकास्टिक पूर्वा, तुम्हें तो पता ही है हमारी शादी होना अब मेरे हाथ में नहीं है। सर, एक्चुअली मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सर पूर्वा की मौत से मुझे इतना दुख पहुंचा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ सर। अगर पता चला कि तुमने हमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हारा दुख दर्द हम कैसे बांटेंगे, मालूम तो हो गए? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सर, मैं और पूर्वा अच्छे दोस्त थे, फिर ब्रेकअप हो गया। क्यों हुआ था? हाँ सर, हमारा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन ये रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा था, पूर्वा ने ही खत्म किया था। आप यहाँ कैसे? क्या करूँ, पुलिस स्टेशन में तुमसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। देखिए सुनिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके और मेरे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब तुम खुद मेरी जिंदगी में पहले आई और जब मैंने शादी के लिए पूछा तो मुझे अवॉइड करने लगी? शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं अपने करियर को देना चाहती हूँ और ये गलत फहमी आपने रखी है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पूर्वा कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस थी, वो किसी भी रिश्ते में सेटल नहीं होना चाहती थी। पूर्वा ने जिस दिन सो कॉल्ड सुसाइड किया उस दिन तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था, मैं और डिटेल्स निकालूं या फिर तुम खुद? सर, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। गुड, आगे। सर, कुछ समय से पूर्वा काफी पैरानॉइड हो गई थी और वो छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती थी। उस दिन जब मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस स्टेशन से घर जा रहा था, उस दिन मैंने देखा कि पूर्वा क्या हुआ? आराम से, तुम ठीक हो? क्यों आए हो तुम? कहा था ना कोई रिश्ता नहीं मेरा तुम्हारे साथ, क्यों यहाँ से? तुम बोल रहे हो कि पूर्वा ओवर रिएक्ट करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ओवर रिएक्ट करने की वजह तुम ही थे? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इन सारी बातों का पूर्वा की सुसाइड से कोई लेना? सुसाइड नहीं, मर्डर। सर, मैं जानता हूँ आप इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्राइम सीन पर तुम भी थे, क्राइम सीन पर कोई छेड़छाड़? सर, मैं एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। और क्राइम सीन पर मैं अकेला तो नहीं था, इनफैक्ट एएसआई मीतू वहाँ पर सबसे पहले पहुंची थी। सर, पूर्वा के फादर का कॉल आने के बाद सुनैना मैम ने ही मुझे वहाँ भेजा था। पहले तुम भी पूर्वा के साथ रहती थी वहाँ? जी सर, लेकिन 2 महीने पहले शादी के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई थी। उस रात जब तुम वहाँ पर गई तो तुमने क्या देखा वहाँ?
सर मैं काफी देर तक डोरबेल बजाती रही। पूर्वा, पूर्वा का फोन भी बंद था। मैंने तुरंत सुनैना मैम को कॉल किया। उस रात सुनील सर भी नाइट ड्यूटी पर थे तो सुनैना मैम ने उन्हें वहाँ भेज दिया। फिर सुनैना मैम भी वहाँ आ गई और उन्होंने ही पूर्वा के फादर को इन्फॉर्म किया। तुम भी उसी टीम का हिस्सा हो जो ये मानकर चल रही है कि पूर्वा ने सुसाइड किया था, तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा। लेकिन सर फैक्ट्स भी यही लग रहे हैं। फैक्ट्स को ठीक से स्टडी नहीं किया तुम्हारी टीम। ऐसा नहीं है सर, मैं ही क्या, सुनैना मैम को भी अंदर से यही लग रहा था कि पूर्वा सुसाइड नहीं कर सकती। सर मैं आपकी थ्योरी डिनाई नहीं कर रही, लेकिन पूर्वा की लाश जिन सर्कमस्टांसिस में मिली, अगर आप वहां होते तो आपको भी मर्डर नहीं सुसाइड ही लगता। लेकिन उसके फादर का तो कहना है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर ना करने की वजह से पूर्वा सुसाइड नहीं कर सकती, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर बनना पूर्वा की लाइफ का अल्टीमेट गोल था। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में भी कई बार फ्री टाइम में मैंने उसे पढ़ते हुए देखा है। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद खून देखकर सहम जाती थी वो। रवि, बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने से पहले इस फूल कुमारी पूर्वा के लिए भी एम्बुलेंस मंगवा। नो मैम, आई एम ओके, आई एम परफेक्टली फाइन। लेकिन वो अंदर से काफी स्ट्रांग थी, उसकी काबिलियत पे कभी भी शक नहीं हुआ मुझे। इनफैक्ट सुरुचि केस में उसी ने हमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिया। मैडम, सुरुचि रेप और मर्डर का जो एमओ है ना, वैसा ही एमओ मैंने कुछ और केसेस में भी नोटिस किया है। ये देखिए मैम, करीब 2 साल पहले बिहार के सीतामढ़ी इलाके में मंगलवार वाले दिन 2 बच्चियों का रेप इसी तरीके से किया गया था। क्राइम सीन पे वैसा ही सिंदूर, क्रॉस और नारियल देखने को मिला। फिर ठीक 6 महीने बाद ग्वालियर में मंगलवार वाले दिन सेम ऐसा केस सामने आया और इस तरह के कई केसेस इंडिया के अलग अलग स्टेट में देखने को मिले। आई फील कि वो एक आंख वाला आदमी सीरियल किलर है जो सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करता है। उस एक आंख वाले आदमी को पूर्वा ने स्पॉट किया था और उस दिन वो उसकी आंखों में कोई पाउडर डालकर भाग गया। पाउडर नहीं था सर, हवन सामग्री थी। और आपको लग रहा है उस क्रिमिनल का तंत्र मन से कोई कनेक्शन? पूर्वा उस दिन उसको लगभग पकड़ने ही वाली थी। आपको क्या लगता है उसने पूर्वा से किसी तरह का कोई बदला लिया होगा? नो सर, आई डोंट थिंक सो। एक आदमी पुलिस कांस्टेबल के घर में घुसकर उसकी हत्या करके उसकी हत्या को आत्महत्या का रूप दे दे, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है ऑफिसर। जरूरी नहीं है जो दिख रहा हो वो सही। उस एक आंख वाले पर कोई लीड? हम उस पर काम कर रहे हैं सर। आप सुनैना मैडम बोली थी मेरे को कि वो एक आंख वाला आदमी किसी ना किसी मंदिर के पास मिल सकता है, लेकिन साहब आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। साहब ठीक है, पता करो उसके बारे में, कुछ पता चले तो अपडेट करो। ठीक है साहब। पापा कहाँ गए थे आप? फोन भी नहीं लेकर गए थे। पूर्वा के जाने के बाद अपनी सुध नहीं है, फोन की क्या होगी? पर पापा पुलिस आई थी। वो रविशंकर भैया के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? पापा पूर्वा दी का एक वीडियो मिला है। कैसा वीडियो? सर ये वीडियो पूर्वा की वीडियो गैलरी से डिलीट किया गया था। हमने उसका फोन रिट्रीव किया तो ये वीडियो रिकवर हुआ। जब तुमने ये वीडियो उसकी छोटी बहन को दिखाया तो उसने क्या बताया, कौन हो सकता है ये लड़का? सर ये लड़का कौन है इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रविशंकर और उसके भाई मणिशंकर से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। मणिशंकर? सर 1.5 साल पहले पूर्वा की सगाई हुई थी रविशंकर से, और उसी दौरान एक पुलिस टीम ने ब्रोथल पर रेड मारी थी जिसमें पूर्वा भी थी। पांडे चल ऊपर जा, ऊपर जा। तुम पूर्वक मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी पूर्वक, मैं तुम्हारा होने वाला जेठ हूँ। गलती की है ना तो सजा तो तुम्हें मिलेगी भैया। चलो
सर, उस अरेस्ट के बाद मणिशंकर को 3 साल की जेल हुई थी और इसी वजह से रविशंकर ने पूर्वा से अपनी सगाई तोड़ दी। लेकिन ये बात रविशंकर ने हमें खुद से नहीं बताई। सर, रविशंकर पर शक करने की वजह बनती है, लेकिन उसका बड़ा भाई मणिशंकर भी 2 महीने से फरार है। फरार है? हाँ सर, 6 महीने पहले ही वो पेरोल पे रिहा हुआ था और वो तब से फरार है। पूर्वा के मर्डर में रविशंकर का मोटिव स्ट्रॉन्ग बनता है। रविशंकर का पूर्वा के रूम पर आना जाना था, जहां पर पूर्वा अकेली रहती थी। चेक करो, जिस दिन पूर्वा की डेथ हुई रविशंकर को वहां पर देखा गया था, और उसे थाने बुलाओ। उसे यह भी पता होगा कि उसका भाई मणिशंकर कहां पर। श्योर सर। चल ला। ये क्या 1000 रुपया? अरे 10,000 दे, 10,000। अभी तय है, रख लो, थोड़ा धंधा पानी कम है। लुखा समझा है, नाटक कर रहा है। रुक, सुरेन भाई को बोला तो भाई वो पैसा देने में नाटक कर रहा है। स्किप। इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा है, 1000 रुपये तेरे पास? चल बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ सर, मैं मानता हूँ पूर्वा ने मेरे भाई मणिशंकर को अंदर करवाया। वो ऐसा ही था, उसके साथ जो हुआ सही हुआ। जो हुआ वो सही हुआ? चपट तो खुंदा खा के बैठा था। उतरा भाई भी कहाँ है तेरा भाई मणिशंकर? सर मुझे नहीं पता, ना ही मुझे पता करना है। सर उसकी वजह से पूर्वा और मेरा रिश्ता टूटा। वो रिश्ता भी तूने ही तोड़ा था, क्योंकि पूर्वा ने तेरे भाई मणिशंकर। सर मैंने नहीं तोड़ा था वो रिश्ता, मेरे परिवार वालों ने तोड़ा था। जब भैया अंदर गए तो भाभी घर छोड़कर चली गई। उसके बाद पता चला मणिशंकर भैया अपनी बेटी के साथ भी गलत करते थे। हमारी इज्जत रास्ते पे आ गई थी, सारे बिजनेस क्लाइंट्स ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया, और इन सबका जिम्मेदार मेरा परिवार पूर्वा को ठहराता था। तो तुम भी अब अपने घर वालों की तरह मुझे अपना दुश्मन मानने लगे? कैसी बातें करियो पूर्वा, मेरे असली दुश्मन तो मणिशंकर भैया हैं, और तुमने उनको अरेस्ट करवा के ना बिल्कुल ठीक किया। बस मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहा हूँ। तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते? पूर्वा, हम शादी नहीं कर रहे तो क्या हुआ, हम अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। तूने पूर्वा का दोस्त बनके उसके साथ रिलेशन बनाया, उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ। ये तो हम 5 मिनट में पता कर लेंगे। चलो चलो इधर से चलो। ए आठन, तू जानता है मुझे किसका पति हूं? जानता है तू मुझे? पूर्वा ने सही कहा था, उस एक आंख वाले रेपिस्ट का एक पैटर्न है। पर मैम, पूर्वा ने जिन बच्चियों के रेप केसेस के बारे में बताया था वो सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन नहीं हुए थे। आई नो, लेकिन ये क्राइम्स जिन जिन डेट्स पर हुए उस दिन अमावस थी, 4 दिन बाद फिर से अमावस है। अगर वो क्रिमिनल हमारे ही एरिया में हुआ तो हो सकता है कि फिर से किसी लड़की को अपना टारगेट जरूर बनाए। मैम वो, हाँ बोलो। आपके पति सुरेंद्र जी बाजार में रंगदारी मांग रहे थे और जाके एक दुकानदार को बहुत पीटा, इसलिए हमने जाके उनको अरेस्ट कर लिया। मेरे पति है तो क्या हुआ? सुनील। ओके मैम। सब बहुत ट्रिक्स आजमाई, लेकिन रविशंकर मान ही नहीं रहा है कि वो इस वीडियो में है। इस वीडियो में रविशंकर नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? सर, मैंने रविशंकर और उसके बड़े भाई मणिशंकर दोनों के बारे में पता किया, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि रविशंकर या मणिशंकर इन दोनों में से कोई भी क्राइम के वक्त पूर्वा के घर के आसपास भी देखे गए हों। लेकिन ये ऐसा ही सुनील तो क्राइम सीन पर था। हो सकता है पूर्वा के साथ इस वीडियो में सुनील ही हो, और उसी ने उसकी हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए सब कुछ मैनिपुलेट किया हो। लेकिन सर, इस इन्वेस्टिगेशन टीम की लीडर SHO सुनैना, इसका कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा। इसका पति सुरेंद्र अपनी बीवी का रौब दिखाकर रंगदारी मांगता है। व्हाट? सुनैना का पति रंगदारी मांगता है? हाँ सर, लेकिन आज ही सुनैना की टीम ने उसे अरेस्ट किया है। आज ही? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ये अरेस्ट हमें दिखाने के लिए किया गया है? शर्मा, पूर्वा के कलीग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, सबको इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है पूर्वा के साथ इस वीडियो में सुनैना का पति सुरेंद्र ही हो, और सुरेंद्र ने ही पूर्वा की हत्या की हो, और उसकी पत्नी सुनैना ने उस हत्या को आत्महत्या इसलिए दिखाया ताकि वो अपने पति को बचा सके। जैन सर, क्या अपडेट है अभिमन्यु? सर, जब से हमने पूर्वा के मोबाइल से वो वीडियो रिकवर किया है, तब से मुझे स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि पूर्वा का मर्डर ही हुआ था, और जल्दी ही हम उस मर्डरर के खिलाफ एविडेंस भी जुटा लेंगे। वेरी गुड।
लेकिन उस वीडियो की बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि पूर्वा का रेपुटेशन स्पॉइल हो। आई अंडरस्टैंड सर, मेरी टीम इस बात का ख्याल रखेगी। जैन सर। इंद्रमणि जी, मैंने आपकी सारी फिक्र खत्म कर दी है, लेकिन आपको कुछ तो अंदाजा होगा कौन हो सकता है वो लड़का जिसने पूर्वा के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा एसीपी साहब, उस रात भी मुझे यही लग रहा था, पूर्वा सिर्फ फेल होने की वजह से इतना नहीं रो रही थी, वजह शायद यही होगी जो मुझे बता नहीं पाई। पूर्वा का वो वीडियो सामने आने के बाद हमें इस केस में ब्लैकमेलिंग का एंगल भी नजर आ रहा था, पर सवाल ये था कि उस वीडियो में पूर्वा के साथ वो कौन आदमी होगा, कौन पूर्वा को ब्लैकमेल कर रहा होगा। रविशंकर और उसके भाई मणिशंकर के बाद हमारी रडार पर वो पूरी पुलिस टीम भी थी जिसके साथ पूर्वा काम कर रही थी, और शक के आधार पर हमने SHO सुनैना के पति सुरेंद्र को भी इंटरोगेट किया। लेकिन रविशंकर की ही तरह सुरेंद्र भी कुछ भी मानने से इनकार कर रहा था। वहीं ASI सुनील प्रभु भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था, और हमने मणिशंकर के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। और दूसरी तरफ हमें उस एक आंख वाले आदमी की भी तलाश थी जो सुरुचि रेप और मर्डर केस में आरोपी माना जा रहा था। कल अमावस है, याद है ना तुम्हें? यस मैम, सारी तैयारी हो चुकी है, आसपास के एरिया के सभी मंदिर में अपने लोग तैनात कर दिए हैं। हत्या वाली रात सुरेंद्र बंसल के भी क्राइम सीन पे देखे जाने का कोई क्लू नहीं मिला, और ना ही मणिशंकर के भी कहीं कोई लीड है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर, SHO सुनैना की टीम ने उस एक आंख वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया। बहुत ही टेढ़ा आदमी है, कुछ नहीं उगल रहा है। मुझे बात करने दीजिए उसे। यस सर। उस रात पूर्वा की आंखों में धूल झोंके फरार हो गया था तू। अब हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक पाएगा। साहब मानता हूं, मैं उस बच्ची को उठा के लेके गया था, उसका रेप भी किया, उसका मर्डर भी किया, और साहब वो नींबू मिर्ची बस आप लोगों को भटकाने के लिए रखता था। लेकिन साहब मैं किसी पूर्वा को नहीं जानता और उसके साथ कुछ भी नहीं किया। सुरुचि मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन उस केस का ब्रेक थ्रू देने वाली पूर्वा के केस का पुलिस को अब तक कोई लीड नहीं मिला है। कैमरामैन दीपक के साथ सृष्टि फ्रॉम ABC न्यूज़। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सुरुचि रेप और मर्डर केस का सोल्व होना पूर्वा के हौसले की मिसाल दे रहा था। लेकिन पूर्वा का मर्डर किसने और क्यों किया, और उस वीडियो में पूर्वा के साथ कौन था, ये हम क्रैक नहीं कर पा रहे थे। हम मान रहे थे कि पूर्वा का मर्डर ही हुआ था, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे। एक महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका था, मीडिया ने हमारा घेराव शुरू कर दिया था, और हमारे पास कोई जवाब नहीं थे। मैं मानता हूँ अभिमन्यु, उस वीडियो को देखकर सुसाइड की थ्योरी मर्डर की थ्योरी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि क्रिमिनल की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पूर्वा ने सुसाइड ही किया हो। पर सर मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन तुम्हारे मानने से ये प्रूव भी तो नहीं हो रहा है। मुझ पर भरोसा कीजिए सर। अभिमन्यु, मैं तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जब से ये केस आया है तब से आए दिन मीडिया हमारा घेराव करता रहता है, और हम उनके सवालों से तब तक नहीं बच सकते जब तक ये केस पेंडिंग है। बेटर है कि इस केस को क्लोजर दे दिया। सर जब साफ साफ लग रहा है कि सुसाइड नहीं मर्डर है तो। अभिमन्यु मेरे कंसर्न को समझने की कोशिश करो, मीडिया के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सर प्लीज आप मुझे एक वीक का वक्त दो दीजिए, आई विल गिव यू रिजल्ट, अगर नहीं दे पाया तो जो आप कहें को। ठीक है, लेकिन एक वीक से ज्यादा। थैंक यू सर। जैन सर।
पूर्वा के पिताजी को अंदर भेजो। इंद्रमणि जी, मैंने रिकमेंड किया है कि पूर्वा के केस में उसका सारा पीएफ और इंश्योरेंस आपको मिल सके। साथ में मैंने आपकी छोटी बेटी स्वाति के लिए भी जॉब एश्योर किया है। पापा, मुझे नहीं चाहिए जॉब, मुझे पूर्वा दी के लिए इंसाफ चाहिए। बेटा, अब डर लगने लगा, कहीं ये इंसाफ हमें महंगा न पड़ जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? हाँ बेटा, अभी तक तो पुलिस ने मीडिया से वो वीडियो वाली बात छुपा रखी है। अगर वो बात सामने आ गई तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे। एसएचओ मैडम से मिलना है, है सर, आई ना। ठीक है, इन्फॉर्म करो। जैन सर। जैन, कैसी है मीनाक्षी? ठीक हूँ सर। आज छुट्टी? एक्चुअली सर, वो मैंने पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर, मैडम कैबिन में। सर, मैं आपके कन्विक्शन को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ आया ही नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर था। Are you sure, officer? आपसे कुछ मिस नहीं हुआ? No, sir. कुछ मिस नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है। शर्मा, पूरी टीम को लेकर मेरे केबिन में आओ, कुछ डिस्कस करना है। क्विक। ओके सर। एवरीवन, इरशाद, शीतल, सुरेश, कम एवरीवन इनसाइड द केबिन। सर, जैसा भी बने हूँ, कम है। सर, इतने शॉर्ट नोटिस में आपने मिलने के लिए टाइम दिया, थैंक यू सो मच। सर, प्राइमा फेसी से तो यही लग रहा था कि वो सुसाइड है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साबित नहीं हो पाया है कि वो मर्डर था। हाँ, ऐसा पता है मुझे, फिर से क्यों बता रहे? और इन सब चीज़ों से मेरा क्या लेना देना है? लेना देना है तभी तो बता रहा हूँ सर। सर, मेरे पास वो सबूत है जिनसे आप जैसे शातिर क्रिमिनल को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्या फालतू का इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बिल्कुल सर, इस वक्त कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। पांच छह गवाह है मेरे पास, और सबसे बड़ा गवाह है आपकी क्लोज एसोसिएट। जेडो, मैंने घर तुम्हें बाद में बनी, पहले तो मैं भी विक्टिम ही थी। इन्होंने जो पूर्वा के साथ किया वो मेरे साथ भी किया सर, और हम ही नहीं, बहुत सारी और लड़कियों के साथ। सुनैना, ज़्यादा भोली मत बन, तू अपनी मर्जी से सोती थी मेरे साथ, क्यों? तुझे तरक्की चाहिए थी ना? सर, इन्होंने पूर्वा के साथ जो किया वो नीतू के साथ भी किया, लेकिन पूर्वा ऐसी लड़की नहीं थी, वो सिविल सर्विस का एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी और मेरे अंडर कॉन्स्टेबल की जॉब भी कर रही थी। इन्होंने जब उसे देखा तो अपने क्वार्टर पर ड्यूटी के लिए बुलाया। सेट सेट।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन पे अपॉइंट कर दीजिए, मुझे यहाँ एसीपी सर के यहाँ काम नहीं करना, प्लीज़ मैम। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन्होंने उसका एक वीडियो बनाया था। हेलो पूर्वा, पुलिस स्टेशन में तुम सुनैना के नीचे ही काम करोगी, और ये चल रहा है इसे चलने दो, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। पूर्वा पूरी तरीके से टूट चुकी थी सर, लेकिन उसके फादर को अटैक आया तो वो और मजबूर हो गई, स्थिर रही बेचारी। उसका रिजल्ट आने वाला था तो उसे लगा था कि वो एसीपी के जंजाल से निकल जाएगी, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गई। लेकिन उस रात क्या हुआ इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। उस दिन पूर्वा के पापा का कॉल आया मेरे पास, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पूर्वा कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई उन्हें, और यही बात मैंने आज उसने बोलने की कोशिश की है, हो सकता है कल वो सब बता भी दे। अब उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद मीतू को तुमने वहां भेजा, मुझे तुम पे शक तो पहले ही हो गया था क्योंकि पूर्वा के फादर का तुम्हें फोन आया था 11 बजे और उसके डेढ़ घंटे के बाद मीतू को तुमने वहां पर भेजा था। लेकिन पहले ये सब बोल के मैं तुम्हें अलर्ट नहीं करना चाहता था, और पूर्वा का वो वीडियो मिलने के बाद हम ये समझ गए थे कि तुम्हारे साथ इसमें कोई मर्द भी शामिल है, पर हमने ये नहीं सोचा था कि वो आप होंगे एसीपी सर। पूर्वा के पिता और बहन इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जिस ऑफिसर को वो अपने गांव वाला अपना हमदर्द समझकर पूर्वा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, दरअसल पूर्वा का वही गुनहगार था। उसे पूर्वा ही नहीं, मीतू, सुनैना और इनके ही जैसी बहुत सी महिला पुलिसकर्मियों के साथ वो ऐसा बर्ताव कर रहा था। यूं तो पूर्वा बहुत साहसी लड़की थी, लेकिन उसे अपनी आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं मिला, और ना ही उसे अपनी कलीग सुनैना और मीतू का साथ मिला। इस सबसे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत शर्मिंदा है, और इस बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने पूर्वा पाठक जैसी जाबाज और होनहार पुलिसकर्मी को खो दिया। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।